नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उज्जैन 12 साल की बच्ची से रेप, खून से सनी लड़की 2.5 घंटे अर्धनग्न भागती रही, पुलिस को बताया मां के साथ भी गलत हुआ। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई। ज्यादा खून बह जाने पर बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, वहाँ पुलिस ने उसे खून दिया। बच्ची अब खतरे से बाहर है, उसने मां के साथ भी गलत होना बताया, लेकिन उसकी मां कहां है और वो उज्जैन तक कैसे आई नहीं बता पा रही है। महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर मुरलीपुरा से आगे दांडी आश्रम के करीब बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। कपड़े खून से सने थे, उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां से इंदौर रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों से पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। बच्ची सांवराखेड़ी सिंगस्थ बाईपास मार्ग की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक अर्धनग्न हालत में घूमती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वो पूरे 8 किलोमीटर चलती चली गई, कुछ लोगों ने देखा भी, लेकिन शायद डर या किसी और सामाजिक वजह से न रोका और न ही पुलिस को बताया। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि बच्ची संभवतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जाँच के लिए SIT गठित की है। बच्ची पूरे 2.5 घंटे तक भटकती रही। फुटेज में एक ऑटो रिक्शा हाटकेश्वर मार्ग पर दिखाई दिया है, जिसमें एक व्यक्ति भी पीड़िता के साथ दिखा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने मंगलवार रात को ऑटो वाले को खोज निकाला। अब तक जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि बच्ची नीलगंगा थाना क्षेत्र में सिंगस्थ बाईपास के सांवराखेड़ी मार्ग, तिरुपति ड्रीम्स, हाटकेश्वर विहार कॉलोनी समेत चिंतामन ब्रिज मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे में कई जगह दिखाई दी। तिरुपति ड्रीम्स में वृद्ध से बोली, मेरे पीछे कोई लगा है। बच्ची सोमवार सुबह 5:52 पर तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में पैदल हड़बड़ाहट में जाती दिखी है। इस दौरान सुबह कॉलोनी के एक वृद्ध ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है। महिला एक्सपर्ट की मदद से बच्ची की बोली समझी। एसपी शर्मा ने उत्तर प्रदेश निवासी महिला एक्सपर्ट की मदद से बच्ची की बोली समझी। इससे ये पता चल पाया कि वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गांव की हो सकती है। जो बोली वह बोल रही है, वहां एक समुदाय के द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर परिवार का पता करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीमें भी इसमें लगी हुई हैं, हर स्तर पर काम हो रहा है। एक व्यक्ति का चावल नाम बोला। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि संभवतः बाईपास एरिया में बच्ची हैवानियत की शिकार हुई है, वह एक व्यक्ति का चावल नाम भी बोल रही है। समय रहते उसे तत्काल इंदौर भिजवाया, जहां ऑपरेशन के बाद वह खतरे से बाहर है। आइए जानते हैं एसपी सचिन शर्मा ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफर किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पर अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पर दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, बच्ची ने पूरे शहर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इधर से उधर पहुंची थी, तो कहां पर उसके साथ में घटना हुई थी, किस तरीके से ट्रेस हुई? फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं, तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। तो कहाँ की बताई जा रही है बच्ची और कुछ उसने बताया हो अगर बयान में कुछ? बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। सर, उम्र कितनी? उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, क्या कुछ लोगों को ट्रेस किया या इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायमी की गई है? जो प्राथमिक उपचार है वो और इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है और स्पेशल टीम बनाई गई है जो सभी जो भौतिक साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस पर काम कर रही है और लगातार इसमें प्रयास करके हम लोग जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया जल्दी उन तक पहुँचेंगे। सर, कोई गैंगरेप भी हुआ है बच्ची के साथ? ये अभी बता पाना संभव नहीं है।